देवभूमि हरिद्वार में 24 सितंबर को ब्राह्मण महाकुंभ होने वाला है। इस महाकुंभ में विभिन्न प्रदेशों से समाज के लोग एकत्र होंगे और समाज के उत्थान के लिए चर्चा करेंगे। महाकुंभ की तैयारियों को लेकर रुड़की में समाज के लोगों की बैठक हुई। इस बैठक में पूर्व राज्य मंत्री मनोहर लाल शर्मा भी शामिल हुए। ब्राह्मण महासभा के प्रदेश महासचिव रिटायर्ड पुलिस अधिकारी गोविंद वल्लभ पांडे ने कहा कि महासभा द्वारा 24 सितंबर 2023 को हरिद्वार में ब्राह्मण महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। महाकुंभ में समाज की समस्याओं पर चर्चा होगी। इसके साथ ही सरकार से मांग की जाएगी कि परशुराम जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित हो। गोविंद वल्लभ पांडे ने कहा कि हम सरकार से मांग करेंगे कि मंदिरों के पुजारी जिनके परिजनों की कोविड में मृत्यु हुई या वे बेरोजगार हुए, उन्हें आर्थिक मदद दी जाए और अखिल भारतीय सवर्ण आयोग का गठन किया जाए। पूर्व राज्य मंत्री मनोहर लाल शर्मा ने कहा कि ब्राह्मण महाकुंभ ऐतिहासिक होगा। इस महाकुंभ में समाज के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी और ब्राह्मण उत्थान महासभा उत्तराखंड एक ब्राह्मण महाकुंभ कराने जा रही है जो 24 सितंबर आने वाले 24 सितंबर को हरिद्वार में संपन्न होगा। उसमें हम लोग पूरे संपूर्ण भारतवर्ष के ब्राह्मणों का एक महासम्मेलन कर रहे हैं। उसमें ब्राह्मणों को इससे संबंधित समस्याएं और उसमें जो भी अन्य बातें होंगी उन पर विचार किया जाएगा। आज मैं आदरणीय श्री मनोहर लाल जी से आशीर्वाद लेने आया था और आपको अभी से आमंत्रित करने आया था कि आप 24 सितंबर को जो हमारा महाकुंभ होने वाला है उसमें आप आएंगे और अपना सहयोग और अपना आशीर्वाद देंगे। इसमें संपूर्ण भारत से हमारे राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ से हम लोगों के पास उनके आने की सहमति मिल गई है। वहाँ के जितने ब्राह्मण संगठन हैं उनके द्वारा अपनी सहमति दे दी है। इसका उद्देश्य, इसमें बहुत सारी मांगें हैं हमारी जो कि सरकार से करनी। एक तो हमें परशुराम उत्तराखंड में जो परशुराम जयंती है उसके उसमें अवकाश का हमको बहुत आवश्यक है हमारे लिए कि हमें परशुराम जयंती जो हमारे आराध्य देव हैं परशुराम जी उनके जन्मदिन पर हम चाहते हैं उनके जन्मोत्सव पर उत्तराखंड में अन्य जिन महापुरुषों के उसमें अवकाश घोषित किया गया है इसमें भी एक अवकाश घोषित किया जाए। इसके अलावा देखिए ब्राह्मण जो हमारे मंदिरों में जो पुजारी हैं पंडे हैं इनको कोविड के दौरान ये बेचारे बिल्कुल एकदम इनको कोई पूछने वाला नहीं था, न इनको मंदिर बंद हो गए, इनका आमदनी का जरिया ख़त्म हो गया। हमारा कहना है कि उनको उस दौरान उनके परिवार में जिन लोगों की मृत्यु हुई या जो लोग इस कदर बेरोजगार हो गए थे जिनकी स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी उनको सरकार कंपनसेट करे, उनके बारे में सोचे। और हमारा एक उद्देश्य ये भी है कि अखिल भारतीय सवर्ण आयोग का गठन किया जाए। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।